तो गाइज अभी लोग बाग क्या है, इलेक्ट्रिक स्कूटी भाई लेना स्टार्ट कर रहे थे। वैसे भाई जो ओला की स्कूटी, आप लोग को पता है काफी वीडियोस भी आई थी, उसने आग पकड़ ली थी। बट वो चीज ना, आप लोग को एथर की जो ये स्कूटी है, एथर की 450X या फिर 450 प्लस, इन दोनों के अंदर आप लोग को ये चीज, आग वगैरह है, ये चीज इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो स्कूटी है, इनकी जो बैटरी आती है वो हीट एक्सचेंज मटेरियल के साथ में आती है, मतलब वो कूलिंग फंक्शन के साथ आती है, तो इसमें ये चीज है आग नहीं पकड़ेगी। और ये 1,00,000 किलोमीटर तक जो है ये स्कूटियां हर एक कंडीशन पे जो है टेस्ट की जाती है। काफी रिलायबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट एथर का ही है। जब भी जो इसका प्राइस पॉइंट है काफी हाई जाता है। इसके अंदर ना दो वेरिएंट आते हैं, एक तो एथर का 450 प्लस जो कि बेस वेरिएंट है, और एक आता है एथर का 450X जो कि पर्टिकुलर ये वेरिएंट है। इसका अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं दिल्ली में तो 1,70,000 रुपये पड़ता है। बाकी अलग स्टेट में जो है इसका प्राइस वेरी कर सकता है, क्योंकि अलग जगह पर जो है गवर्नमेंट इसकी कितनी सब्सिडी दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस वेरी करता है। जो ये एथर की 450X है, इसके अंदर आप लोग को तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो मिंट ग्रीन और ग्रे जो ये पर्टिकुलर कलर है, और एक आता है इसके अंदर व्हाइट कलर। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल इस स्कूटी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे मेन बात तो भाई यही है कि जो ये स्कूटी है एथर की, आप ये आग नहीं पकड़ेगी। तो बिना सोचे समझे अगर आप चाहते हो मुझे एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, तो आप सीधा सीधा भाई इस एथर की स्कूटी की तरफ में जा सकते हैं। तो अभी ना इस स्कूटी के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो जैसे इस स्कूटी के पहले की दिखाता हूँ किस तरह की मिलती है। तो इस तरह की कुछ इसके अंदर की आती है, बिल्कुल सिंपल सी ही की ये है इसके अंदर। और इस स्कूटी के अंदर ना एक वो फीचर भी आता है जैसे अप्रोच मी हेडलैम्प वाला। जैसे आप अपनी स्कूटी को ऑन करते हैं, उनको पहले ये मैंने ऑन किया, अब मैं स्कूटी को ऑफ कर दूंगा ना, तो जो स्कूटी की हेडलाइट है वो कुछ एक सेकंड तक ऑन रहेगी। तो रात में जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। एलईडी हेडलाइट्स इसमें आती हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके अंदर एलईडी में ही आते हैं। फ्रंट वाले जो सस्पेंशन है वो इसके अंदर टेलीस्कोपिक आते हैं। और इसके अंदर स्कूटी में क्या है, आप लोग को फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है, एज वेल एज जो रियर है उसमें भी डिस्क ब्रेक इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। अलॉय व्हील्स इसके दोनों आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आप इलेक्ट्रिक स्कूटियों में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रंट में जो अलॉयज दे देते हैं, बट जो पीछे वहाँ पे अलॉयज नहीं देते। और देखने में भी जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ आती हैं ना, इतनी अच्छी से नहीं आती है। बट जो एथर का आप ये प्रोडक्ट देखोगे, देखने में काफ़ी स्लीक, काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी अच्छा ये लगने वाला है। हर एक एंगल से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम से ये प्रोडक्ट है। जो इसके पैनल्स हैं सारे वो प्लास्टिक के हैं, बट ये काफ़ी टफ प्लास्टिक है। ऐसे नहीं कोई आपकी स्कूटी मान लो हल्की फुल्की गिर जाती है तो टूट जाएगी, वो चीज़ भी आप लोग को इसके अंदर फेस करने को नहीं मिलेगी। फ्रंट वाला जो डिस्क ब्रेक है वो इसका 200mm का मिलता है, पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो 190mm का मिलता है। और बाइब्री के डिस्क ब्रेक आते हैं इसके अंदर, जो कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स बाइक में देखे होंगे, प्रीमियम बाइक्स में आते हैं बाइब्री के जो डिस्क ब्रेक्स हैं। MRF के इसके अंदर टायर आते हैं, 90/90/12 इंच का फ्रंट टायर है एंड 90/90/12 इंच का इसका रियर टायर मिलता है। जैसे ये एक मीडिया व्हीकल है, बट जैसे इसका जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, ये स्कूटी जैसे आप परचेज करेंगे, तो यहाँ पे जो है 450X की जो है बैजिंग भी आपको साथ में मिलेगी। 108 केजी का इसके अंदर कर्व वेट मिलता है, और इसके अंदर लगी हुई है लिथियम आयन की बैटरी 21,700 सेल वाली। बैटरी इस तरीके से प्लेस कर रखी है, वो यहाँ पे जो है इस बैटरी की प्लेसमेंट की गई है। IP67 रेटिंग वाली ये बैटरी है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। और इसके भाई मैंने काफ़ी सारे टेस्ट भी कर लिए हैं, बारिश में, धूप में, हर एक जगह पे कर रखे हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग को चैनल पे देखने को मिलेगी। जो इसकी बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 2.9 किलोवाट आवर, और यूजेबल कैपेसिटी है 2.6 किलोवाट आवर। और जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है वो उसकी जो कंटिन्यूस पावर है वो है 3.3 किलोवाट, और जो उसकी पीक पावर है वो है 6 किलोवाट। और इसके अंदर 26 Nm का जो टॉर्क है ये मोटर प्रोड्यूस करती है, एंड जो इसकी मोटर है वो तो IP66 रेटिंग की है, एंड जो इसका कंट्रोलर है वो है IP65 रेटिंग का। तो चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बारिश हो, चाहे कीचड़ हो, आप लोगों को इस स्कूटी को कहीं से भी निकालते वक्त डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भरी धूप में भी आप इसको खड़ा कर सकते हैं। एंड जो इसकी टेल लाइट दी गई है वो इसमें LED की मिलती है, जो कि काफ़ी यूनिक से डिज़ाइन में ही मिलती है। एंड जो ब्लिंकर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी यूनिक से ही स्टाइल के मिलते हैं। ये बेल्ट ड्राइव वाला इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। जैसे आप इस स्कूटी को देखोगे ना, तो कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि भाई जो ये एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, ये बहुत मस्त चीज़ है। और जैसे आप इस साइड स्टैंड देखोगे, वो भी भाई काफ़ी स्टाइलिश दे रखा है, काफ़ी यूनिक से स्टाइल का है। इसको मैं क्लोज करके दिखाऊं तो देखो बिल्कुल जो है बॉडी के अंदर फिट हो जाता है।
देखने में भी भाई काफ़ी अच्छा सा लगता है। और इसके अंदर आप लोग को जो है, जैसे मान लो अपनी स्कूटी को चार्ज करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो बैटरी है डिटैचेबल नहीं मिलती है, उसको आप यहाँ पे सॉकेट दिया गया है सिंपली यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं जो इसके साथ चार्जर आता है। एंड इसकी अगर चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 5 घंटे 45 मिनट ये चार्ज होने में लगाती है 0 से 100 तक की में। और इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो 80 किलोमीटर/आवर की जाती है। और इसमें ना यहाँ पे आप लोग को TFT की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 7 इंच की है, एंड्रॉयड बेस्ड ये है, ये IP65 रेटिंग की है। तो इसके ऊपर भी बारिश होगी, डस्ट होगा, कुछ भी पड़े कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये ना मैप भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जैसे आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट करोगे तो जो मैप है गूगल मैप वो डायरेक्ट इसमें चल जाता है जो कि काफ़ी हेल्प करता है। धूप में भाई थोड़ी सी ग्लेयर फील होती है इसके अंदर। और इसके अंदर तो 4 मोड मिल जाते हैं, इको मोड है, राइड मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, एंड आपका जो है रैप मोड है। जो इसका इको मोड है उसमें तो रेंज मिलती है 85 किलोमीटर की, और जो इसका राइड मोड है उसमें रेंज मिलती है आप लोग को 70 किलोमीटर की। और जैसे इसका जो रैप मोड आएगा जाहिर सी बात है उसमें कम हो जाएगी, बट वहाँ पर क्या होगा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी 285 किलोमीटर, ये 100 रुपये में जाती है। तो भाई काफ़ी सस्ता आप लोगों जो है स्कूटी पड़ने वाली है। और एक और चीज़ है भाई इसके अंदर, जैसे अभी दिखा रहे हैं ना 84 किलोमीटर की रेंज है, तो भाई ये 84 ही देगी, इको में चलाओगे तो 84 देगी, ज़्यादा ही बेसिक देगी। जैसे इंडियन कंडीशन में अगर इसको टेस्ट किया गया था ना जैसे, तो 116 किलोमीटर तक जो है स्कूटी चली है। और भाई मेरे साथ भी हुआ था, मैं 25 किलोमीटर घर से दूर था, 25 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी, फिर भी जो है इसने यहाँ पे आने के बाद भी, मतलब मेरे घर आने के बाद भी, उसके बाद भी मैं 5 किलोमीटर और ज़्यादा दिखा रही थी। तो ये 84 दिखा रही है ना, तो 84 तो थोड़ा ज़्यादा ही चल जाएगी। बाकी ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर शो करता है। हैंडल बार पे आप लोग को इसका किल स्विच दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। एंड चलते वक्त जो है आप इसका टच स्क्रीन को ना यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, इधर उधर आंगली मतलब कोई यूजलेस हो जाती है वो, सिर्फ आप उसमें चीज़ें देख सकते हो। बट जो उसके राइड मोड है वो यहाँ से चेंज हो जाते हैं। एंड इस साइड में दे रखा है हाई बीम एंड लो बीम करने के लिए इसके हेडलाइट को, इंडिकेटर का, और जो इसका इंडिकेटर है वो भी कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सिंगल ही स्कूटी के अंदर हॉर्न आता है। मिरर काफ़ी स्पोर्टी से डिज़ाइन में इसमें कर रखे हैं। इस स्कूटी के अंदर मिलता है 22 लीटर का बूट स्पेस, जो बूट स्पेस है वो यहीं से ही ओपन होता है। तो कुछ इतना जो है इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। और जैसे देखोगे आप यहाँ पे LED लाइट्स भी दे रखी हैं जो कि रात में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अंदर है इसका चार्जर, तो इस तरह का इसके अंदर चार्जर अवेलेबल होता है। ये तो आपकी स्कूटी में कनेक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट जो आपके सीधे घर में कनेक्ट हो जाएगा। 16 एम्पियर की भी जरूरत नहीं है इसमें, 16 एम्पियर के प्लग की भी जरूरत नहीं है। बाकी इसमें जैसे इसमें ना एक दो कनेक्टर लगा रखे हैं, देखो एक तो ये आगे वाला कनेक्टर है, ये वाला जो प्लग लगेगा आपका 16 एम्पियर में लगेगा, पीछे लिख भी रखा है 16 एम्पियर। और फिर इसमें कनेक्ट कर देंगे ना तो ये जो है आपके नॉर्मल जैसे छोटे जो प्लग रहते हैं उसमें भी जो है ईजिली फिट हो जाएगा। और जो कॉर्ड है इसकी अच्छी मतलब ठीक लेंथ की दे रखी है। उसमें एक ये चीज़ है, देखो जैसे ये वाला चीज़ तो लंबी दे दी, और जैसे ये कनेक्शन वाला है ना, फिर ये कनेक्शन वाला आपको यहीं पे ही जो है प्लेस करना पड़ता है, ये वाली चीज़ सिर्फ इतनी ही मिलती है। बाकी ठीक है, कॉर्ड की लेंथ कहीं कमी इसके अंदर आप लोग को नहीं लगने वाली है। तो इस स्कूटी में ना एक आपको रिवर्स गियर मिल जाता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऐसे करके ऐसे स्लाइड कर दो और फिर सीधा एक्सलेट करो और ये बैक में भागने लग जाएगी। तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है भाई, 3 की जो है इसकी टॉप स्पीड है। जैसे थोड़ा उबड़ खाबड़ से रास्ता रहता है ना वहाँ पे जो है ये काफ़ी हेल्प करता है भाई। और इसके अंदर ना एक और चीज़ मिल जाती है, जैसे अब ये रिवर्स में चल रही है, और जैसे मैं ये वाला बटन दबाऊंगा ये आगे की तरफ हो जाएगी, अब ये फिर से रिवर्स में चल जाएगी, फिर ये आगे की तरफ हो जाएगी। तो यूँ है स्कूटी को ईजिली आप भीड़ भाड़ मतलब जैसे रहते हैं थोड़ा टूटा फूटा से, वहाँ से बैक करने में काफ़ी आसानी से रहेगी। इको मोड में तो ज़्यादा स्पीड नहीं आती है भाई इसमें, और आवाज़ वगैरह आप खुद ही सुन लो कितनी क्या ये करती है, थोड़ी बहुत जो है भाई आवाज़ तो करती है इसकी मोटर। बाकी राइड जो है स्मूथ है इसकी। एक जो मेन चीज़ होती है ना भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या रहता है, जैसे कई स्कूटियों में इलेक्ट्रिक चलाई है ना उनमें क्या रहता है, जो थ्रोटल है ना पहले तो एकदम नल सा पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा एक्सलेट कर देंगे ना फिर एकदम से भागती है वो, तो वो चीज़ इस स्कूटी में नहीं है। इसमें जैसे जिस हिसाब से आप एक्सलेट करोगे ना उसी हिसाब से चलेगी। अभी मैंने एक चलाई थी इलेक्ट्रॉन की चलाई थी, उसके अंदर क्या था शुरुआत में नल पॉइंट था, और जैसे थोड़ा सा रहता है फिर एकदम झटका से मारती है, तो वो चीज़ नहीं है भाई इसके अंदर, ये बहुत बढ़िया है। ग्लेयर वगैरह तो इसके अंदर फील होती है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई इसके, जैसे हल्का सा भी आप ब्रेक टैप करते हैं ना तो एक झटका सा मारती है, अगला ब्रेक मार दिया तो समझो थोड़ा सा हुआ फिसलने का चांस, तो सीधा फिसल जाओगे।
और इसमें जैसे ब्रेकर वगैरह इसमें थोड़ी बहुत लगेगी, बाकी जैसे थोड़ा सा ऊपर खाबड़ सा भी रहता है ना रास्ता, उसमें काफ़ी कंफर्टेबल सी रहती है और इसको 5-4 का बंदा बिल्कुल कंफर्टेबली राइड कर सकता है। काफ़ी हल्की सी ये स्कूटी है, इवन लेडी ड्राइवर भी इसको कोई चलाएगी ना तो बिल्कुल कंफर्टेबली चला सकती है। पैर वगैरह यहाँ आगे जैसे और स्कूटी में क्या रहता है, जहाँ मैंने आपके आगे आगे तरफ में पैर रख रखे हैं ना, यहाँ पर क्या रहता है ये हिस्सा उठा हुआ रहता है तो चलाने में मज़ा नहीं आता। लाइक ओकिनावा सारे ब्रांड्स के बता दूंगा कि इसमें उठा हुआ रहता है, और भी कई स्कूटी हैं उनमें भी उठा हुआ रहता है, बट इसमें क्या है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप एक पेट्रोल की स्कूटी को राइड कर रहे हो। प्रॉपर नीचे वाली पोजीशन है और जैसे सामान वगैरह भी आप रखना चाहो ना यहाँ पे बिल्कुल आराम से रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखो एक हाथ से मैं स्कूटी को चला रहा हूँ ना तो बिल्कुल आराम से चलाई जा रही है, लाइट वेट तो है भाई, स्कूटी चलाने में एक नंबर का मजा आता है इस चीज़ को। और सस्पेंशन वगैरह भाई जो स्कूटी के शॉकर वगैरह हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी लाइट से हैं, यहाँ पे आराम से सामान वगैरह आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। और वो मैंने आप लोग बताया था ना मोड चेंज होते, देखो करके दिखाता हूँ, ये चलते चलते मैंने थोड़ा डीएक्सीलेट किया और देखो ये लग गया राइड मोड और ये लग गया इसका स्पोर्ट्स मोड एंड ये लग गया इसका रैप मोड। जिसका रैप मोड है ना वो भाई बहुत फास्ट है यार, बहुत तेज़ चलते हैं उसमें स्कूटी ना, बहुत एकदम मस्त वाला सा पिकअप मिलता है, चलाने में एक नंबर का मजा आता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है ना कि जहाँ ज़्यादा पावर सी लग जाती है फिर एकदम दम से तोड़ देती है, तो वो चीज़ भाई इसके अंदर भी है, जहाँ पे ज़्यादा पावर सी लगेगी फिर एकदम दम से तोड़ देती है। और तो भाई स्कूटी में सब कुछ आप लोग को एक नंबर का मिलता है, जो इसके मिरर्स हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छा व्यू आ जाएगा। और सबसे मेन बात तो ये है भाई काफ़ी लाइट सी है और काफ़ी इजीली मनूवर करना काफ़ी आसान सा पड़ता है, और जो लुक है काफ़ी अच्छी है, लोग भाई मुड़ मुड़ के देखते हैं, सीधा वो गाना गा सकते हो मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, तो मतलब सही है ओवरऑल। तो गाइज ये था सब कुछ इस एथर 450X के बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल जवाब रह गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, फिर नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डाल रखे हैं वहाँ से भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।